आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो आपको पास छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में आज आपसे बातचीत करने वाला मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ, जहाँ हम हमारे जो बोरोवर्स है, जो बिजनेसमैन है, उनको हम कोचिंग भी करते हैं, उनको लोन भी देते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ आपको करना है तो आपको आपका पास्ट छोड़ना पड़ेगा, अतीत छोड़ना पड़ेगा, भूतकाल छोड़ना पड़ेगा, भूतकाल की काफी सारी बातें छोड़नी पड़ेगी। देखो, कोर पर्पस जो है, मतलब जीने का कारण या जीने का उद्देश्य, कि आप जीते क्यों हैं और आप बिजनेस करते क्यों हैं, यदि कोर पर्पस आपका क्लियर है, आपका यदि व्हाई क्लियर है, व्हाई क्यों करते हैं जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो यदि कोर पर्पस आपका क्लियर है तो वो कैसा करना, कैसा बढ़ाना, वो सब आप ही आप आ जाएगा। यदि आपके पास में गोल क्लियर है, गोल के ऊपर फोकस है, तो वो गोल कैसा अचीव करना, वो आपके पास में आप ही आप आ जाएगा, उसका रास्ता अपने आप ही निकल जाएगा। मगर आपकी जो करंट लाइफस्टाइल है, जो करंटली आप जीते हो, जिस तरह से आप जीना चाहते हो, जिस तरह से आप जी रहे हो, उस तरह का जीना आपको अलग लेवल पे लेके नहीं जा सकता। क्या होता है कि आपको यदि बड़ा होना है तो आपको आपका पास छोड़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपनी बैरिस्टरशिप छोड़ दिया। उनको मालूम था कि बैरिस्टर मैं हूं तो बैरिस्टर होके मैं लोगों की केस लड़ते जाऊंगा तो 3-4 लोगों के जीवन में फर्क करूंगा, 3-4 लोगों के बारे में जज के सामने खड़े रह के आर्ग्यूमेंट करना है और उनको जिता के देना, उसके बदले अभी मैं इंग्लैंड के एम्परर के सामने, इंग्लिश एम्परर के सामने खड़ा रहूंगा और अपने देशवासियों की केस लड़ूंगा। तो उनको वो छोड़ना पड़ा, बैरिस्टरशिप पूरा वो छोड़ना पड़ा। और हम क्या करते हैं, हम पास छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमको कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। हम पास छोड़ ही सकते नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको जो चल रहा है, हम बोलते हैं चलने दो, स्टेटस को इज फाइन। क्या होता है कि लोग बैरिस्टर महात्मा गांधी जो है उसको महात्मा गांधी होने नहीं देंगे, वो बोलेंगे मत जा, जो चल रहा हो चलने दो। तो वो नहीं होगा, वो आपको बाहर नहीं जाने देंगे, वो आपको कंफर्ट जोन के बाहर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पीछे खींचेंगे। मगर आपको वो दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, आपको रहने की स्टाइल छोड़नी पड़ेगी, आपको एनवायरमेंट छोड़ना पड़ेगा, आपको पास जो है, जो पास ने आपको यहाँ तक लाया, अभी वो पास काम का नहीं है। अभी आपको यदि नए लेवल पे जाना है तो नया क्रिएट करना पड़ेगा। मगर लोग क्या करते, पास रिपीट करते जाते हैं और जो भी पास में मिला वही फिर उनको आगे मिलते रहता है। देखिए, मेरे पास में समझो अकाउंटेंट है और वो एक ग्रेजुएट है, और मेरे पास में समझो 10 करोड़ का बिजनेस है, और 10 करोड़ का बिजनेस संभालने के लिए वो मेरा अकाउंटेंट काम कर रहा है, वो कैशियर भी है, अकाउंटेंट भी है, और सब कुछ अकाउंट्स मेरा देख रहा है। अब उसकी कैपेसिटी नहीं है बहुत ज़्यादा बढ़ने की, उसकी लिमिटेशन है। अभी मेरे को वो मेरा बिजनेस यदि 200 करोड़ करने का है तो ये 10 करोड़ वाला अकाउंटेंट मेरे को काम का नहीं है, वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। एक तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा और ट्रेन करके उसको हायर लेवल पे लाना पड़ेगा, और वो यदि हायर लेवल पे नहीं आता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। मतलब देखो, अभी एक खाली व्यक्ति को मैंने बोला कि ये टेबल उठाओ, अब वो टेबल है 50 किलो का, अब वो उसको उठाओ बोला तो नहीं उठाएगा, मैंने उसको मारा झोड़पा कुछ भी किया, उसकी ताकत ही नहीं वो टेबल उठाने की, फायदा क्या है? तो ऐसा अकाउंटेंट की ताकत ही नहीं है कि 200 करोड़ का धंधा संभालने की ट्रेनिंग देने के बावजूद भी तो वो नहीं संभालेगा, तो मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। तुमको पास्ट बार बार छोड़ना पड़ेगा। पास्ट मुझे छोड़ दूंगा मैं, करंट रियलिटी से आगे मेरे को जाना पड़ेगा तो मेरा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप एक दुकान संभाल रहे हैं, आपके दुकान में एक आप खुद मालिक बैठे हैं, लोग आपको देख के आ रहे हैं, आप लोगों को अच्छी सर्विस दे रहे हैं और लोग बोलते हैं वाह वाह वाह, बहुत अच्छा माल है, बहुत अच्छा सर्विस है, वगैरह वगैरह। मगर समझो आप अभी 4 दुकान चालू कर देते हैं तो आप 4 जगह पर नहीं जाएंगे, 4 जगह पे नहीं जाएंगे या ओरिजिनल जगह भी आपको छोड़नी पड़ेगी, तो लोग जो कस्टमर है, जो आपको जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि वो आपके पास में नहीं आएंगे, आते बराबर पूछेंगे नहीं मालिक कहाँ है, बोलेंगे नहीं मालिक यहाँ नहीं है, मालिक तो अभी और कहीं गए हुए, हो सकता है कि वो चले जाएंगे, क्योंकि उनको आपकी आदत पड़ी हुई, वो भी अपना पास नहीं छोड़ना चाहते। हम उनको एकदम एक्सलेंट सर्विस देंगे, पहले से भी अच्छा उनकी खातिरदारी करेंगे, सब करेंगे, मगर बोलने हम चले जाते, हो सकता है कि 50% कस्टमर आपके टूट जाएंगे, वो काम के नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो आएंगे नहीं, अभी तो काम के कैसे रहेंगे, तो फिर 50% जाएंगे तो जाने दो, क्योंकि आप 4 जगह नहीं जा सकते। मगर वो 50% कस्टमर गए भी तभी इधर आपका धंधा 4 गुना बढ़ रहा है, क्योंकि आपने 4 स्टोर चालू कर दिए। तो वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो पास के दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, पास के कस्टमर छोड़ने पड़ेंगे, पास का अकाउंटेंट छोड़ना पड़ेगा,
पास का सब छोड़ना पड़ेगा। यदि वो अपने ऊंचे लेवल तक नहीं आ सकता है तो फिर आपको आगे बढ़ने का। देखो आपके आपके माँ बाप जो है वो आपके माँ बाप है, वो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके बारे में उनके बहुत कंसर्न्स है, चिंता है, मगर वो आपको 200 करोड़ का बिजनेस लेके जाना है तो वो काम के नहीं है। उनका पूरा सम्मान करो, उनको मान सम्मान दो, जो भी दो, मगर वो आपको कोचिंग नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने 200 करोड़ का धंधा कभी किया नहीं है, तो फिर वो आपके काम पे नहीं रहेंगे। आपको 200 करोड़ का बिजनेस करना है तो आपके आशीर्वाद देने के लिए आपके माँ बाप घर पे बैठे हुए, उनका आशीर्वाद ले लो, मगर 200 करोड़ का बिजनेस करना है तो आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा, आपको कोच ढूंढना पड़ेगा, आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी और वो पास छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पास में आपने पिताजी ने आपने माने आपको 10 करोड़ तक ही लेके जाना सिखाया, उनको उतना ही मालूम है। अब उनको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा मतलब नॉट फिजिकली, मगर मेंटेलिटी को छोड़ना पड़ेगा, आपको नए लेवल पे जाना पड़ेगा। तो ये आप करते हैं डेफिनेटली तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ जो है वो पक्का होने वाला है। आप 10 करोड़ से 1000 करोड़ तक जा सकते हो। यदि आपको इसके बारे में कुछ भी कोचिंग चाहिए तो आप हमारे बैंक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ का लोन मिल सकता है और आपकी ग्रोथ हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।